दोस्तों आज मैं हूँ भारत की सबसे फेमस जगह जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी गए हैं और हर कोई इस जगह एक बार जरूर आना चाहता है। जी हाँ, केची धाम बाबा नीम करोली जी के आश्रम में, और ये है यहाँ का पार्किंग स्टैंड। तो मैंने अपनी रेंटेड स्कूटी को यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया है। देखिए काफी बड़ा पार्किंग ये एरिया है जहाँ पर टू व्हीलर के लिए लगते हैं 36 रुपए, अगर आप पर्सनल कार से आ रहे हो तो 118 रुपए, आप कमर्शियल गाड़ी से आ रहे हो तो 177 रुपए, और अगर कोई बस यानी कि बड़ा व्हीकल है तो 236 रुपए। ये थी पार्किंग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब चलते हैं बाबा नीम करोल जी के आश्रम में। दोस्तों आश्रम में आने के लिए आपको ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हाईवे पर रोड टच ही यहाँ पर देखिए आश्रम का गेट है। और बाबा नीम करोली जी के आश्रम में आने के लिए आपको दिल्ली से काठगोदाम तक आना होता है। काठगोदाम से पास में ही नैनीताल है और नैनीताल से करीब में ही है बाबा नीम करोली जी का आश्रम। तो अगर आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। दोस्तों जब आप इस पावन जगह पर आएंगे तो आपको आपके मन की शांति मिलेगी। ये बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही पावन जगह है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस ब्लॉग में और आपको लेकर जाते हैं बाबा नीम करोली जी के आश्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और इसी पॉजिटिव वाइब्स को पाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों क्यों आए होंगे, कुछ तो यहाँ पर उनको पॉजिटिविटी मिल रही है, कुछ तो भी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से मिल रही है, तभी तो वो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो भी आया है वो अपने जीवन में उन्होंने सक्सेस जरूर पाया है। तो चलो मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर और आपको दर्शन कराऊंगा बाबा नीम करोली जी के। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप बाबा नीम करोली जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना गया है, और इस घोर कलयुग में तो हनुमान जी की शक्ति को जागृत माना गया है, और इसलिए तो उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। दोस्तों बाबा नीम करोली जी के आश्रम में भक्तों की कोई कमी नहीं है, रोज यहाँ पर हजारों की भीड़ में लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा के दर्शन करके जाते हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर हजारों की भीड़ में होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति ही इतनी, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है दोस्तों, सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आ जाए, इतनी शांति इस जगह पर होती है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर अंदर में वीडियो रिकॉर्डिंग और शूटिंग करना मना है, या फोटो खींचना, सेल्फी लेना भी मना है। यहाँ पर आपको फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता, आप अंदर फोन लेकर नहीं जा सकते। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको बाबा नीम करोली जी के दर्शन कराने की। तो दोस्तों अब मैं मंदिर के बाहर परिसर में हूँ, और यहाँ से मैंने पूरी कोशिश की है आपको बाबा नीम करोली जी के दर्शन कराने की। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं माँ वैष्णो देवी के। और देखिए ये है बाबा नीम करोली जी का आश्रम, और सामने जो मंदिर दिख रहा है सबसे बड़ा मंदिर, उसके अंदर देखिए आपको एक मूर्त नजर आ रही है। यही मूर्ति जो है ये बाबा नीम करोली जी की है, और आप यहाँ से बाबा नीम करोली जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि हजारों की भीड़ में लोग यहाँ पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति होती है कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस जगह पर अकेले हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है दोस्तों। और यहाँ पर लोग आकर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बाबा नीम करोली जी की किताबें पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ते हैं, मन लगाकर शांति से बैठते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर जरूर आइए, सच में यहाँ पर आने के बाद आपको मन को एक पॉजिटिविटी मिलेगी, एक पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से आपको मिलेगी। और आप अगर आप यहाँ पर सच्चे मन से आएंगे और सच्चे मन से आप यहाँ पर दर्शन करेंगे तो जरूर आपकी मुरादें भी पूरी होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं, यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है। ये जो आप देख रहे हैं ये इमारत, यहाँ पर काफी सारे रूम बने हुए हैं और यहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, पर उसके लिए परमिशन लेनी होती है। आप यहाँ पर 2-3-4 दिन रुक सकते हैं और ध्यान लगाकर मंदिर में आप अपनी मन की शांति पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अब मैंने यहाँ पर बाबा नीम करोली जी के दर्शन कर लिए हैं, और अब मैं अपनी रेंटेड स्कूटी लेकर वापस जा रहा हूँ सीधा नैनीताल, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ अपने होटल रूम में। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय।